फ्रंटलाइन पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है दोस्तों। वड्डी खबर लैके हाजिर हो रहे हैं, वीडियो नू अंत तक जरूर देखो। डेनमार्क तो अमृतसर आ रहे जहाज़ विच वड्डी घटना वापरी है जिस दे विच नौजवान की मौत हो गई है। एडवोकेट उज्ज्वल भसीन ने यह जानकारी दी है। उन्होंने दस्या कि कतर एयरलाइन फ्लाइट विच फ्लाइट के क्रू मैंबर ने इस्तांबुल एयरपोर्ट से एमरजेंसी लैंडिंग नहीं करवाई थी। उन्होंने इस लापरवाही के चलद दो घंटे का सफ़र फ्लाइट में बिना रोके पूरा किया गया जिस कारण 28 साल के अभिषेक सरना की मैडिकल हैल्प न मिलने कारण मौत हो गई। एयरलाइन के क्रू मैंबरों वालों लाश को मृतक के परिवारक मैंबरों को सूचित किए बिना ही अंबैसी को सौंप दिया गया। अंबैसी ने परिवारक मैंबरों को सूचित किया कि अभिषेक सरना के कोई भी दस्तावेज या समान एयरलाइनज़ वालों अंबैसी को नहीं सौंपा गया। अभिषेक सरना की मौत के मामले में एडवोकेट उज्ज्वल भसीन ने कतर एयरलाइनज़ तो मुआवजे की मांग की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जेकर एयरलाइनज़ के क्रू मैंबर लापरवाही ना वरते तो मेरे मुअक्कल के पुत्र की जान बच सकती सी। एडवोकेट भसीन वालों कतर एयरलाइन की फ्लाइट नंबर QR 162 लीगल नोटिस भेजा गया होया जिस विच उन्होंने इस हादसे संबंधी जानकारी ते हरजाने की मांग की है। जेकर एयरलाइनज़ वालों इसका जवाब नहीं दिता जाता तो उन्होंने बन की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। बड़ी ही दुखदायी खबर आ रही है जी। यहोजियां होर लेटैसट अपडेट लिए चैनल में सबसक्राइब करो, वीडियो में शेयर करना ना भुलो। जल्दी मिलेंगे नवी ताज़ा खबर के नाल। तद तक लई सति श्री अकाल।